देश विदेश और पंजाब की 10 बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। दिल्ली मेट्रो का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग को माचिस और बीड़ी के साथ देखा जा सकता है। बुजुर्ग मेट्रो में भी बीड़ी जलाने लगता है। इस घटना को यात्रियों ने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ ने सोमवार को घोषणा की कि वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से अलग हो रही है। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अलग मोर्चे का नेतृत्व करेगी। दिल्ली मेट्रो इन दिनों खासी चर्चा में है। मेट्रो के अंदर वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। कभी किसी कपल का वीडियो वायरल होता है तो कभी किसी की लड़ाई का। दिल्ली मेट्रो में इन दिनों एक कपल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गलत हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे, जिसके बाद लोग काफी भड़क गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन के कई शहरों की भयानक मंदी और नकदी के संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब है कि इसका असर अब जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है और लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। कोविड महामारी के दौर में जो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, सबसे खराब हालत रियल एस्टेट के हैं, जहां मंदी छाई हुई है। अपराध का एक बहुत अजीब संगीन मामला सामने आया है, जिसमें किसी शख्स को नहीं बल्कि एक खतरनाक निर्जीव गुड़िया को चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है। मामला अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन सच है। लोग हैरान है कि एक निर्जीव गुड़िया कैसे गिरफ्तार हो सकती है। ट्रेन में अपने ही चाचा पर तेज धार हथियारों से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में रेलवे पुलिस अबोर द्वारा दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बठिंडा के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन सतीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि वो दुकान चलाता है और 23 सितंबर को उस पर हमला हुआ। जलंधर की दुगोहा जगजीत कॉलोनी में डिपो पर गेहूं को लेकर हंगामा होने का मामला सामने आया है। इस बीच पीड़ित लड़की नीरजा शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले गेहूं की पर्ची ली थी। इस दौरान जब गेहूं के बारे में पूछताछ करने पहुंची तो डिपो होल्डर राजविंदर कौर ने उसके साथ धक्का मुक्की की। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर माँ बन चुकी है और एक्ट्रेस ने बेटी को जन्म दिया है, जिसको गोद में लिए हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी सामने आई है। शादी के बाद परिणीति और राघव ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में परिणीति ब्राइडल लुक में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ब्राइडल लहंगे से लेकर घूंघट तक और उनके चूड़े से लेकर कलीरे तक सब कस्टमाइज था और इनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। भारत में 5 अक्टूबर को ICC वर्ल्ड कप का आगाज होना है। इसमें मेजबान भारतीय टीम के अलावा कुल 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम भी शामिल है। हालांकि बाकी टीमों को जहां भारत का वीजा मिल चुका है, वहीं पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को अब तक वीजा नहीं मिल सका।